हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न टू टर्न के डीलरशिप सीक्रेट के सेकेंड पार्ट में। अगर दोस्तों आपने डीलरशिप सीक्रेट का फर्स्ट वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वो जाइए और फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको अपनी नई कार खरीदते वक्त मदद होगी और आपसे डीलर ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाएगा। और दोस्तों एक और बात, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको अपने नेक्सॉन पर कितना डिस्काउंट मिला, कौन सी एसेसरीज ऑफ़र की गई, कौन से ऑफ़र मिले डीलर की तरफ से। तो दोस्तों वो अगर आपको जानना है तो वो मैं बताऊंगा डीलरशिप सीक्रेट के थर्ड वाले पार्ट में। उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने डीलर से कैसे डिस्काउंट लिया या फिर कौन सी एसेसरीज मुझे मिली कार पर वेटिंग होते हुए भी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें डीलरशिप में कार खरीदते जाते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि डीलर हमें फंसा नहीं पाएगा। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि हमें कार खरीदते वक्त सिर्फ एक ही डीलरशिप में जाकर डीलर्स की बातों में आकर वहीं पर डील फाइनल नहीं करनी है। हमें हमारे आसपास के एरिया में जितने भी उस कंपनी के डीलरशिप रहे वहां पर हमें इंक्वायरी करनी है, वहां के डिस्काउंट के बारे में, कार प्राइस के बारे में और वो क्या क्या एसेसरीज ऑफ़र करेंगे उनके बारे में हमें इंक्वायरी करनी है। और ध्यान में रखिए कि हमें सारे डीलरशिप में खुद जाना नहीं है, हमें सिर्फ दो डीलरशिप में खुद से जाना है, वहाँ पर इंक्वायरी करनी है सारी और उसके बाद बाकी सारे डीलरशिप में हमें सिर्फ सेल्समैन से कॉल पर बात करनी है कि हमें दूसरे डीलरशिप में ये मिल रहा है, आप हमें क्या ऑफ़र करोगे। तो दोस्तों ये एक अलग चीज़ हुई। लेकिन दोस्तों डीलरशिप में जाते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों हमें डीलरशिप में जाते वक्त जो मैं अभी एक फर्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है हर एक डील फाइनल करते वक्त, चाहे वो कार की रहे या फिर एसेसरीज की रहे। दोस्तों सेल्समैन आपके पास स्माइल करेगा लेकिन वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो वहाँ पर रेडी है आपकी जेब से ज़्यादा पैसा निकालने के लिए। और दोस्तों पॉइंट नंबर सेकंड है कि सेल्समैन के पास हर एक ट्रिक है आपसे ज़्यादा पैसा निकालने के, लेकिन आपके पास कोई भी ट्रिक नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री है कि उन्हें सब कुछ पता है कि कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाता है लेकिन आपको कुछ भी नहीं। दोस्तों सेल्समैन आपसे बहुत सारी बातें कहेगा लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो सारी सच होंगी। हमेशा फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिए, वो आपसे कहेगा कि ये एंड ऑफ द मंथ प्राइस है या फिर एंड ऑफ द मंथ या फिर अभी ऑफर इस कार पे ख़त्म हो गई है, इस कार पर पहले से टेफ्लॉन कोटिंग करवाई हुई है, इस पर पहले से एंटी रस्ट कोटिंग है, इसके मैट जो है वो प्रीमियम है, इसके सीट को फैब्रिक कोटिंग करवाई हुई है, मड फ्लैप वगैरह के सारे पैकेजेस इस कार पर अप्लाई किए गए हैं, वो सब झूठ है। उनकी कौन सी भी बातों में आकर हमें पैसे देने के लिए या फिर डील फाइनल करने के लिए रेडी नहीं होना है। दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने पैसे किसी तरीके से बचा लेते हैं किसी एक चीज़ में, लेकिन वो आपसे दूसरे चीज़ में पैसे निकालने के लिए रेडी रहेगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जो कार खरीद रहे हैं उस पर फैक्ट्री डिस्काउंट है। दोस्तों अगर आपको फैक्ट्री डिस्काउंट मिलता है तो वो डीलर जो डीलर की तरफ से डिस्काउंट रहता है वो आपको ऑफ़र नहीं करेगा। और दोस्तों अगर मान भी लीजिए कि आप 20-25 हज़ार कम करने में कामयाब हो जाते हैं उस डीलर से, लेकिन वो डीलर एसेसरीज से आपसे 30-35 हज़ार निकाल लेगा और उस एसेसरीज का दाम 10-15 हज़ार भी नहीं रहे। इसलिए दोस्तों कार खरीदने के बाद एसेसरीज लगवाने के लिए जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि हम शौक से काफ़ी सारे एसेसरीज लगवा देते हैं लेकिन उसके बाद उस एसेसरीज का कुछ यूज ही नहीं होता है। इसलिए कुछ कार खरीदने के कुछ देर के बाद ही हमें सारे एसेसरीज फिट करनी है जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच पाए। और दोस्तों नेक्स्ट ये है कि हमेशा फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिए, डीलर को हमें हमारी तरफ से
कुछ भी नहीं देना है। दोस्तों, डीलर अपनी स्टॉक में पड़ी कार आपको बेचने के लिए बहुत सारी बातें कहेगा कि ये कार बेस्ट है, इससे आप जो कार चूज कर रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, जो ये कार है वो अच्छी है, या फिर आप जो कार खरीद रहे हैं आपको जो कलर चाहिए वो उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके पास रहने वाला कलर आपको बेचने के लिए वो बहुत सारी बातें आपको कहेगा। आपको कहेगा कि आइए मैं आपको वो कार दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको वो कलर दिखाता हूँ। उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसके पीछे वो कार देखने के लिए जाएंगे और वो आपको वो कार थमा लेगा। तो दोस्तों, वैसा हमें नहीं करना है। जो कार हमें खरीदनी ही नहीं है, जो कलर हमें खरीदना ही नहीं है, वो उसे हम देखें भी क्यों, वो आपसे बहुत सारी बातें करेगा कि ये कलर बेस्ट है, ये कलर ही रनिंग है, ये कार ही रनिंग है, ज़्यादा खरीदी जाती हैं। उसके स्टॉक में पड़ी कार आपको बेचने के लिए वो हर कोई छोटी से बड़ी कोशिश करता रहेगा, लेकिन हमें उसके बहकावे में नहीं आना है। सेल्समैन जो सजेस्ट करे वो एक भी चीज़ हमें नहीं करनी है। सेल्समैन को लगता है कि आपको ये करना चाहिए, इसलिए आपको वो नहीं करना है। आपके पास पैसे है तो डिसीजन भी आपको ही लेना है। आपके पास सारी पावर है डील फाइनल करने की या फिर डील कैंसिल करने की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो उस डील के लिए बिल्कुल भी ना जाइए। आपके पास पूरा हक है उस डील को कैंसिल करने का, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे मोटे टिप्स थे जिससे कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद हो गई होगी। दोस्तों, हम डीलर सीक्रेट पार्ट 3 में जानेंगे कि हमें डीलर से ज़्यादा डिस्काउंट और ऑफर और एसेसरीज कैसे मिलानी है। दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी डीलर के बहकावे में ना आए।